पर भारी पड़ रही है इसकी तस्वीर देश के अलग अलग राज्यों से लगातार आ रही है। सवाल ये कि आखिर कोरोना के खिलाफ अचूक हथियार है क्या सिस्टम? अब जहां इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटा है तो वहीं कोरोना के खिलाफ इस वक्त देश में एक बहुत बड़ी जंग भी छेड़ी जा चुकी है। कोरोना से कराह रहा देश, तीसरे दिन 2.5 लाख से ज्यादा केस, महामारी के खिलाफ युद्ध का शंखनाद, 1 मई से वैक्सीनेशन का महाअभियान। देश में कोरोना की सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही, दूसरी लहर का जानलेवा प्रहार कई राज्यों को बेहाल कर रहा है। ये लगातार तीसरा दिन है जब देश में कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना के 2,59,170 मामले दर्ज किए गए। एक दिन में कोरोना की वजह से 1,761 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि एक ही दिन में कोरोना के 1,54,761 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके। इस बीच वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी बढ़कर 12,71,29,113 पहुंच गया। कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे को भांपते हुए केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के महाअभियान का ऐलान कर दिया। इस महाअभियान की शुरुआत 1 मई से की जाएगी, जिसके तहत 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगाया जाएगा। अब वैक्सीन खुले बाजार में मिलेगी। खास बात ये कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने वालों को ही वैक्सीन दी जाएगी। इस दौरान दूसरी डोज वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। वैक्सीनेशन अभियान में राज्य सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकेंगे। कंपनियां 50% टीका राज्यों को बेच सकेंगे। साथ ही अपने हिस्से का 50% टीका भी केंद्र सरकार राज्यों को देगी। एज ऑन टुडे 18,923 बेड हैं, जिसमें से 16,461 बेड ऑक्यूपाइड हैं और 2,462 बेड अवेलेबल हैं। आपको इसके अंदर दिल्ली कोरोना ऐप में जा सकते हैं, देख सकते हैं, उसी में देख के मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव है ये लगभग। LNGP में 1500 बेड है, GTB में 900 हैं, एम्स झज्जर में 573 हैं, राजीव गांधी में 500 हैं, बुराड़ी में 320 हैं। इस तरह बड़ी लंबी लिस्ट है ये कम से कम। उधर दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन का आज पहला दिन है, जिसका असर कनॉट प्लेस इलाके में साफ दिखाई दिया। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाला इलाका पूरी तरह सूना दिखाई दिया। इक्का दुक्का सवारियों के अलावा दिल्ली की दौड़ती भागती सड़क लॉकडाउन इफेक्ट की वजह से थमी दिखाई दी। दिल्ली का कनॉट प्लेस इलाका, जहां आम तौर पर भीड़ भाड़ रहती है, चहल पहल रहती है, आप देख सकते हैं आज यहां पर पूरी तरह से वीरानी है, दुकानें बंद हैं। आमतौर पर लोग यहां पर शॉपिंग के लिए आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं, लेकिन आज पूरी तरह से यहां पर वीरानी छाई हुई है। तमाम दुकानें, जो शॉपिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो पूरी तरह से बंद हैं। इक्का दुक्का लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये जो दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है 26 अप्रैल तक। दिल्ली के द्वारका मोड़ पर भी लॉकडाउन का असर साफ दिखाई दिया। मैं इस समय मौजूद हूँ द्वारका मोड़ चौराहे पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पीछे मेट्रो लाइन है और ये पूरा चौराहा है। पूरा मार्केट, दुकानें सब बंद है। आम तौर पे आए दिन यहाँ पे हजारों की भीड़ रहती थी, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली एयरपोर्ट, नजफगढ़ इलाके में जाने के लिए इस चौराहे का लोग इस्तेमाल करते हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम है, यहाँ पर एक एक गाड़ियों को ये चेक कर रही है और इनसे वो कागजात मांग रही है, या कर्फ्यू पास है उनको जाने दिया जा रहा है, या फिर जो एसेंशियल सर्विस में काम कर रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है। उधर लॉकडाउन के पहले दिन दिल्ली पुलिस के महिला स्टाफ ने पूरी तैयारियों के साथ नोएडा से दिल्ली जा रही सवारियों की चेकिंग की। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 26 तारीख तक कर्फ्यू लगा रखा है दिल्ली में, यानी टोटल दिल्ली बंद है, केवल जरूरी सेवाओं से जुड़ी जो गाड़ियां हैं या पास वाले वाहन हैं उन्हें ही इजाजत दी जा रही है। और इस वक्त हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हैं। 6 दिन का जो कर्फ्यू है उसमें पूरी सख्ती से दिल्ली पुलिस जो है वो जो कानून का पालन नहीं कर रहा है उनसे निपट रही है। और आप 6 दिन का लॉकडाउन है दिल्ली में वो लगाया है, जिसमें कुछ चीज़ों को छूट दी गई है। इसके अलावा दिल्ली पूरी तरह से बंद है, केंद्र सरकार के दफ्तर जो खुले हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं
जो सरकारी बसें हैं वो भी जरूरी सेवा में जो हैं वो लगी हुई हैं। यहाँ पर ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर का नज़ारा है और यहाँ से उत्तर प्रदेश नोएडा से आने वाले जितने भी वाहन हैं वो दिल्ली में एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान लोगों से सहयोग की अपील की है। दिल्ली में आज से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। ये फैसला आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। कृपया इसमें सरकार का सहयोग करें, अपने घर पर ही रहें, संक्रमण से बचकर रहें। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आने वाले कुछ दिनों में अस्पतालों में बेड की किल्लत को दूर कर लिया जाएगा। सरकार ने पिछले दो हफ्तों में 13,000 से ज्यादा बेड बढ़ाए हैं। अगले कुछ दिनों में अलग अलग अस्पतालों में 2700 बेड और बढ़ाए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर का कहर बदस्तूर जारी है। यही वजह है कि सरकार और सिस्टम इस महामारी के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत अगर किसी चीज की इस वक्त है तो वो है आपकी समझदारी और सावधानी, क्योंकि इसी के बूते कोरोना जैसे घातक वायरस पर शिकंजा कसा जा सकता है। उधर मुंबई में कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। ट्रेनों के जरिए दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की स्टेशन पर ही जांच की जा रही है और जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच करते हुए दिखाई दी। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना टेस्टिंग बढ़ा दी है। स्टेशनों पर कोरोना टेस्टिंग जो है वो की जा रही है और जो 6 राज्य हैं खासतौर पर वहां से आने वाले लोगों की जो टेस्टिंग बढ़ाई गई, आप तस्वीरों में देखिए कि बोरीवली स्टेशन के बाहर खासतौर पर दिल्ली, NCR, राजस्थान, गुजरात, केरला, इन तमाम राज्यों से आने वाले लोगों की टेस्टिंग यहां पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि इन राज्यों में कोरोना का खतरा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और वहां से आने के बाद जो है लोग जो है बाहर ना जाएं या फिर जो है उनके जरिए एक चेन कोरोना के मामलों की ना फैले, उसके लिए जो है यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन एक अहम चीज कि एक शख्स उसी टेस्टिंग के दौरान देखिए आप वो पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद जो है BMC के जो लोग हैं वो उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें ये बता रहे हैं कि आखिर आगे की प्रक्रिया क्या है, कैसे उन्हें जो है क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा, क्योंकि सरकार ने निश्चित किया है कि जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी उन्हीं को यहां से जाने दिया जाएगा, लेकिन जिसकी पॉजिटिव आती है एंटीजन टेस्ट में उन्हें सीधा क्वारंटाइन सेंटर एम्बुलेंस के जरिए भेजा जाएगा। तो जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो लगातार BMC के द्वारा की जा रही है। और कोरोना से सबसे ज्यादा जो खराब हालात है क्योंकि महाराष्ट्र में बने हुए हैं, आपको ये बता दें कि पिछले 24 घंटों में यहां कोरोना के करीब 59,000 नए केस सामने आए और 351 लोगों की मौत हुई। अकेले मुंबई से 7,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और वहां 57 लोगों की जान चली गई। राज्य में कोरोना के 6,76,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा करीब 61,000 के पास जा पहुंचा है। ये हालात उस वक्त है जब पूरे राज्य में लॉकडाउन की तरह सख्त कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही।